पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में हमीरपुर मिनी सचिवालय के बाहर क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है। हड़ताल पर बैठे हुए युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों को बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल को समाप्त करवाया। युवा कांग्रेस ने सरकार को चेताया है कि पीएम मोदी के हिमाचल दौरे के चलते हड़ताल को खत्म किया गया है, लेकिन अगर मांग को नहीं माना गया तो युवा कांग्रेस एक सप्ताह के बाद सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि क्रमिक हड़ताल को समाप्त न करके हड़ताल को स्थगित किया गया है। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस मामले में लीपापोती करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह के काम करने से युवा चुप नहीं बैठेगा। जो क्रमिक हड़ताल थी उसको स्थगित किया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि जितने भी जो हमारे युवा कांग्रेस के जो साथी हैं वो पिछले 15 दिनों से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और इस सरकार ने अभी तक जो है इसके ऊपर कोई उचित निर्णय नहीं लिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीबीआई जांच की घोषणा तो करी है, लेकिन आज 15 दिन होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है सीबीआई ने उसको माना नहीं है और इसमें लगता है कि सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है इसकी जाँच कराने की, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि जो डीजीपी जो हैं प्रदेश में वर्तमान समय में, सबसे पहले तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज जो इतना बड़ा कांड हुआ है हमारे देशभूमि में हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो एक बहुत ही शर्मनाक विषय है और युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा छल है, धोखा है। पहले तो डीजीपी प्रमुख को बर्खास्त करें और उसके बाद सीबीआई को इसकी जांच करवाएं, और अगर सीबीआई से नहीं जा सकती तो न्यायिक जांच करवाएं। तो कांग्रेस पार्टी ने आज इसको स्थगित किया है माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा से लेकर, और यदि सरकार इसके बारे एक हफ्ते के अंदर कोई निर्णय नहीं लेती है और मोदी जी भी इसके बारे में कोई स्पष्ट निर्देश सरकार को नहीं देते हैं तो कांग्रेस पार्टी जो है युवा कांग्रेस के साथियों के साथ और सभी ऑर्गेनाइजेशन हैं और हमारे जो विभाग हैं उन सभी के साथ भी हम सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे।